अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चॉप्स। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले चॉप्स को एक पानी में उबाल देके उसका पानी निकाल देना है और एक प्याले में निकाल लेना है। ये हमारे पास 1 किलो चॉप्स हैं, इसमें हम 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट एंड 4 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से पूरी चॉप्स पर मिक्स करके हाफ़ एन आवर के लिए रख दीजिएगा। अब एक पतीली में 5 चम्मच ऑयल लेना है और उसमें 2 बड़ी प्याज काट के डाल देना है। उसको फ्राई करना है इतना कि गोल्डन कलर आ जाए। अब इस प्याज को एक ब्लेंडर मशीन में निकाल लें और 5 बड़ी हरी मिर्चें, 1/2 कप धनिया और 1 फुल कप ऑफ दही मिला के अच्छी तरीके से ब्लेंड करें और फिर इस मिक्सचर को मैरिनेटेड चॉप्स में मिला दें। इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला एंड 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करें। अब 1 टेबल स्पून ज़ीरो को अच्छी तरीके से कूट के उसके अंदर ऐड कर दें। 1.5 टेबल स्पून चामक इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे, पाउडर फॉर्म हो जाएगा तो अपनी मैरिनेशन में ऐड कर लेंगे। अब इस सब मैरिनेशन को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। यहाँ पे हम कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो कुकर में इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे पकने में। अगर आप पतीला यूज़ कर रहे हैं तो पतीले में 1 से 1.5 घंटे में तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 20 मिनट में हमारे मज़ेदार मसाला चॉप्स तैयार हैं। आप भी बनाइए और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।